रामपुर पुलिस की मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश विनोद गोली लगने से हुआ घायल। कुछ दिन पहले 65 वर्षीय मदनलाल की पीट पीट कर हुई थी हत्या। इस घटना में दो भाई विनोद और पंकज थे आरोपी। रामपुर पुलिस मुठभेड़ में हत्या आरोपी विनोद के पैर में लगी है गोली। दूसरा आरोपी पंकज मौका पाकर फरार हो गया। घायल हत्या आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामपुर के कोतवाली मिलक क्षेत्र की घटना। क्या है पूरा मामला? ये थाना क्षेत्र मिलक में एक हत्या के मुकदमा के विवेचना के दौरान जो अभियुक्त वांछी चल रहे थे उसी की तलाश में जो इन्फॉर्मेशन के आधार पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, इसमें कल थाना मिलक पुलिस की जो बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है उसमें एक वांछित अभियुक्त विनोद पुत्र भूप सिंह ये घायल हुआ है और इसके जो आपराधिक इतिहास में कुल 11 आपराधिक मामले इस पर दर्ज हैं जिसमें 2005 से लेकर के 2019 तक इसमें हत्या, लूट, अवैध असलह इस तरह के और साथ साथ नशीले पदार्थों की तस्करी के संबंध में जो मामले पंजीकृत हैं। फिलहाल इसमें पुलिस के द्वारा जो अभियुक्त मौके से फरार हुआ है उसकी तलाश की जा रही है और जो घायल अभियुक्त है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो करवाई जा रही है। इस पर इनाम भी रखा गया? जी, इस पर इनाम घोषित किया गया था 25,000 रुपये का और टीम को पुरस्कृत किया गया है और आगे भी पुलिस को इसमें कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कई उसमें जो जिसकी हत्या हुई थी उसी में आरोपी है मुख्य? हाँ, उसी में आरोपी थे, दो आरोपी हैं जिसमें कि एक गिरफ्तार हुआ है पुलिस मुठभेड़ में, एक जो फरार हुआ है उसकी भी तलाश जारी है।